नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश भर में आज महापर्व दीपावली मनाई जा रही है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश की पूजा का प्रावधान है। कहते हैं कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और लोग घर सजाकर उनकी पूजा करके उनको आमंत्रित करते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से होनी चाहिए और पूजा में किसी तरह की गलती ना हो, ये कोशिश की जाती है। कहते हैं कि भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। रामायण कथा अधिकांश लोगों ने सुनी होगी। इसमें राम सीता विवाह, सीता हरण, राम रावण युद्ध और सीता माता की अग्नि परीक्षा जैसी अहम घटनाओं के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। आज राम सीता वनवास, सीता हरण और सीता जी की अग्नि परीक्षा से जुड़े वो रहस्य जानते हैं जिनसे ज्यादातर लोग अनजान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। दरअसल जब प्रभु राम ने देखा कि पत्नी सीता उनके साथ वनवास पर जाने का निर्णय ले चुकी हैं, तब उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए उन्हें अग्नि देव को सौंप दिया। सीता जी अग्नि में समा गईं और फिर अग्नि से ही उनकी छवि या माया की सीता प्रकट हुई। सीता जी की यही छवि प्रभु राम के साथ 14 साल के लिए वनवास पर गई। इस तरह लंकापति रावण ने सीता का हरण तो किया लेकिन वह सीता जी की छवि ही अपने साथ ले जा पाया। माता सीता की छवि ही वनवास पर गई थी। इसका सबूत इस घटना से मिलता है कि जब जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रावण द्वारा जिस सीता का हरण किया गया था वो असली सीता नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब थी। जब रावण का वध करके प्रभु राम, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सिंह वापस लौटे तो एक प्रजाजन के कहने पर भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा। इस पर सीता ने अग्नि परीक्षा दी लेकिन इससे लक्ष्मण बेहद नाराज हो गए। तब प्रभु राम ने लक्ष्मण को बताया कि सीता के लिए अग्नि परीक्षा देना जरूरी था ताकि सीता जी का प्रतिबिंब वापस अग्नि में चला जाए और असली सीता वापस आ सके। यही वजह थी कि सीता माता को एक नहीं 2 बार अग्नि से गुजरना पड़ा था। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।